एवरीवन, वेलकम बैक टू ईशास किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक स्वीट रेसिपी जो बहुत ही सिंपल और इजी है। आज हम बनाएंगे आटे का मीठा चीला। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है फ्रेंड्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं आटे का मीठा चीला बनाना। आटे का मीठा चीला बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बॉल गेहूं का आटा लिया है, आधा बॉल पाउडर शुगर ली है, एक बॉल दूध लिया है, हाफ टी स्पून इलायची पाउडर लेंगे और 2 से 3 चम्मच हम देसी घी का यूज़ करेंगे। आटे का चीला बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे बॉल ले लिया है, तो इसमें हम गेहूं का आटा ऐड करेंगे, पाउडर शुगर ऐड करेंगे, इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। दूध हम एक बार में नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो इससे हमारे आटे में लम्स पड़ जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा दूध करके हम इसमें मिक्स करते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। आप दूध की जगह पानी का भी यूज़ कर सकते हैं घोल बनाने के लिए। तो थोड़ा दूध और ऐड करेंगे हम इसमें। अभी हमारा बैटर थोड़ा गाढ़ा है, तो इसमें हम दूध और ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे एक बॉल दूध का यूज़ कर चुके हैं, तो थोड़ा दूध और डालेंगे इसमें, क्योंकि चीला बनाने के लिए हमें स्मूथ बैटर का यूज़ करना है और इसे लगातार फेंट लें। अगर आपको लगे कि आपका बैटर ज़्यादा गाढ़ा है तो आप इसमें दूध या पानी कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, और ज़्यादा पतला हो तो उसमें आटा ऐड कर सकते हैं आप। तो इसे आप लगातार मिक्स कर लें और घोल आप ध्यान रखेंगे ना ज़्यादा पतला रहे ना ज़्यादा गाढ़ा रहे। तो ये हमारा घोल अब रेडी हो चुका है, तो इसे हम आधा घंटा सेट होने के लिए रख देंगे। अब आधे घंटे बाद हम प्लेट हटा लेते हैं और बैटर को चेक कर लेते हैं। बैटर हमारा अच्छा फूल चुका है और अच्छा सेट हो चुका है, तो अब हम इसके चीले बनाना स्टार्ट करते हैं। चीला बनाने के लिए हमने यहाँ पे तवे को अच्छा गरम कर लिया है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। तो चीला आज हम घी में बना रहे हैं। घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है मीठे चीले में। ऐसे इस तरीके से हम स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इसमें बैटर ऐड करेंगे। वैसे फैला लेंगे, आपको जितना बड़ा चीला बनाना है उस हिसाब से इसे फैला लें और इसे मैं हल्का ब्राउन होने तक दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। ये चीला हमारा एक साइड से अच्छा सेक चुका है, तो इसे हम दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लेते हैं। इसे हम टर्न कर लेते हैं। ये चीले को हमने टर्न कर लिया है, तो इसी तरीके से हम इसे दूसरी साइड से भी अच्छे से सेकने देंगे और थोड़ा सा घी ऐड कर लेंगे और गैस की फ्लेम हमें लो रख के ही इसे सेकना होता है। धीमी आंच में ये बहुत अच्छा सिकता है और बहुत ही बढ़िया बनता है हमारा ये मीठा चीला। ये चीला हमारा एक साइड से अच्छा सिक चुका है, तो दूसरी साइड से भी हम इसे टर्न कर लेते हैं। दूसरी साइड से भी ये बहुत अच्छा सिक चुका है, तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी आटे का मीठा चीला रेडी है। तो इसे हम बाहर प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से हम दूसरा चीला भी बना लेते हैं। तो पहले थोड़ा सा घी ऐड कर लेते हैं और उसके बाद बैटर ऐड करेंगे। चीले की थिकनेस आपको जैसी पसंद हो, मोटी पतली, आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो इसे भी हम धीमी आंच में एक साइड से अच्छा सिकने देंगे, लाइट ब्राउन होने देंगे और उसके बाद इसे हम टर्न कर लेंगे। ये चीला हमारा एक साइड से सिक चुका है, तो इसे हम दूसरी साइड से टर्न कर लेंगे। ये चीला हमारा एक साइड से अच्छा सिक चुका है, तो इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी इसे सिकने देंगे और थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। अब
अब चीले को हम दूसरी साइड से भी टर्न कर लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, ये दूसरी साइड से भी अच्छा सिक चुका है। तो ये हमारे आटे का मीठा चीला अब रेडी हो चुका है, तो इसे हम बाहर प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारे आटे का मीठा चीला बन के रेडी हो चुका है, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे एक बार जरूर बना के ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।